बरसात के समय सांपों के काटने की घटनाएं लगातार बढ़ रही हैं। हल्द्वानी के लालकुआं कोतवाली क्षेत्र के वीआईपी गेट स्थित बंगाली कॉलोनी में सांप के काटने से एक 10 वर्षीय बालक की मौत हो गई। बालक घर पर सो रहा था, इसी दौरान उसे सांप ने काट लिया। जानकारी के अनुसार वीआईपी गेट से 2 किलोमीटर दूर कॉलोनी में रहने वाले अतुल कुमार का 10 वर्षीय बेटा देवराज अपने घर पर सो रहा था, इसी दौरान उसे जहरीले सांप ने काट लिया। इसकी जानकारी परिवार को तब लगी जब देवराज को उठाने के लिए उसके पिता ने आवाज दी, लेकिन काफी देर तक जब देवराज नहीं उठा तो देखा कि सांप ने उसको डस रखा है। परिजनों से उपचार के लिए लालकुआं प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र लेकर पहुंचे, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। बालक के मौत से माता पिता और परिजनों में मातम छा गया है। फिलहाल घटना की जानकारी वन विभाग को दे दी गई है। मृतक बालक के शव को पोस्टमार्टम के लिए हल्द्वानी भेजा गया है।